हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक की, काउंटिंग फिगर की। काउंटिंग फिगर के सभी टाइप बताएंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन लिखे हुए, एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं और इसमें भी यही पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी यही है, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, बीच में से एक लाइन इस तरह से खींच दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करना आ जाएगा, तो उसके बाद ये भी आ जाएगा। देखिए, जब आपको इस तरह का बॉक्स दे दिया जाए त्रिभुज का, तो आपको क्या करना है, उसे काउंट कर लीजिए। काउंट करना 1, 2, 3 एंड 4। काउंट कर लिया आपने, चार हैं, तो इनको प्लस करके लिखिए, मतलब 1 + 2 + 3 + 4। काउंट करके लिख लिया, तो इन सबको प्लस करके लिखा है, इन सभी को आप क्या करेंगे, प्लस कर लीजिए। तो प्लस कर लेंगे दोस्तों, कितना आएगा, देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसमें 10 त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें 10 त्रिभुज हैं। ठीक है, अब देखिए, इसी तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, इसमें बस इतना अलग कर दिया है कि ये लाइन बीच में से कर दी गई है। अब देखिए, इसे भी काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको प्लस करके लिखिए, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें भी 10 त्रिभुज हो गए थे, इसमें भी 10 त्रिभुज हो जाएंगे, लेकिन 10 त्रिभुज के यहाँ तक हो गए। देखिए, इसके ऊपर भी तो एक बॉक्स बना हुआ है इस तरह का त्रिभुज। दोस्तों, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, तो ऐसा ही त्रिभुज देखिए यहाँ पर बना हुआ, अगर हम इसको अलग कर दें तो 1 2 3 4 सेम ऐसा ही त्रिभुज बना हुआ है। ये नीचे का अलग कर दें तो ऊपर वाला त्रिभुज सेम ऐसा ही बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ठीक है, तो इसके कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 10 इसके हो जाएंगे, तो प्लस 10 कर दीजिए, कितने हो जाएंगे टोटल त्रिभुज, 20 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें एक और रेखा खींच दी जाती इस तरह से, तो 1 2 3 4 10 त्रिभुज इसके भी हो जाते, तो कितने हो जाते, 30 त्रिभुज हो जाते। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करें, ऐसे अलग अलग काउंट ना करके, अलग अलग काउंट ना करके, एक बार आपने काउंट कर लिया 10, तो दो रेखा हैं, तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 त्रिभुज हो जाएंगे। तीन रेखा होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं, और जबकि ये एक स्क्वायर के आकार का दिया गया है, स्क्वायर के आकार का बॉक्स दिया गया है, इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, इसे कैसे सॉल्व करना है, इसको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 बॉक्स हैं, तो 6 बॉक्स हैं, तो 6 का कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 12 त्रिभुज हैं। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उन्हें आप काउंट कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें दोस्तों 6 बॉक्स थे, इसमें कितने हैं, 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 16। तो इसमें 12 त्रिभुज थे और इसमें 16 त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, स्क्वायर दिया गया हो, उसमें त्रिभुज काउंट करने के लिए दिया गया हो, तो काउंट कर लीजिए कितनी रेखाएं हैं, तो उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से दोस्तों समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक स्क्वायर बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, और बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है, बड़े बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे भी उसी ट्रिक सेल करेंगे, इन्हें क्या कर लीजिए, पहले काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना हो गया दोस्तों, आपका 8 हो गया। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों, जब भी तो आपका आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा प्लस। अब देखिए, अंदर एक बॉक्स दिया गया, उसे भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी 8 है, तो इसका भी 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, तो 8 × 16 इसका आ जाएगा, प्लस 8 × 16 इसका आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 32। तो इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें टोटल 32 त्रिभुज हैं। बड़ा वाला बॉक्स काउंट कर लिया, उसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 16 आ जाएगा, प्लस करेंगे छोटे वाले बॉक्स को काउंट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इसका भी 16 आ गया, तो 32 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप उसे 1 से 2 मिनट में ही सॉल्व कर देंगे, और कम समय में सॉल्व कर देंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन लग रहा होगा, तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखिए उसे भी उसी ट्रिक से हल कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको देखिए ये ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इससे आपको कन्फ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन इसे बाद में देखिएगा। सबसे पहले देखिए आप इस स्क्वायर को जो अभी तक हम सॉल्व करते हुए आए हैं, तो इसे काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको हमने काउंट कर लिया, 8 हुआ। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सिंपल, यहाँ तक ये काउंट कर लिया हमने। अब ऊपर वाला करेंगे 1, 2, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा था इस तरह से त्रिभुज दिया गया था, जितनी उसमें बॉक्स होंगे उतने काउंट करते हैं। तो 1 और 2 हमने काउंट कर लिया, कितने हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे। देखिए ऐसे तो काउंट कर, 1 + 2 जितने बॉक्स होते हैं उन्हें काउंट कर लीजिए और फिर उनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके 16, ये हो गया आपके 3, लेकिन ये अभी तक आपका आंसर नहीं हुआ है। आपने 19 ऐड कर दिया, 16 + 3 = 19 हो गया, लेकिन 19 इसका आंसर अभी नहीं है। इसमें देखिए 2 त्रिभुज और छिपे हुए रह गए हैं। देखिए कौन से वाले, एक तो ये बड़ा वाला बन रहा है, एक ये बड़ा वाला बन रहा है, ये काउंट नहीं हुआ है दोस्तों अभी। देखिए यहाँ तक काउंट हो गया इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर काउंट हो गए, लेकिन ये बड़े वाले अभी काउंट नहीं हुए। तो ये दोनों बड़े वाले ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें +2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 21, यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप उसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इस टाइप का क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 काउंट कर लिया, कितने हैं, 4। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसे भी काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो 4 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, इसका भी कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों का ऐड कितना हो गया, 16 हो गया, लेकिन 16 अभी आपका आंसर नहीं है। ठीक है, इसको भी काउंट कर लिया, 8 आया, इसको भी काउंट कर लिया, 8 आया, दोनों को ऐड कर लिया, 16, लेकिन अभी इसको आंसर नहीं है। इसमें देखिए ये दो बीच वाले पॉइंट दे रखे हैं ना आपको, ये दो बीच वाले पॉइंट दे रखे हैं, तो इसको भी आपको ऐड करना है। दो पॉइंट है, देखिए साइड वालों से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीच में इस टाइप के क्वेश्चन में बीच में जितने भी पॉइंट मिलेंगे इसमें आप चेक करेंगे, तो इसमें देखिए बीच में 1, 2, 3, 4 पॉइंट मिल रहे हैं बीच में, साइड वालों से मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट मिलने बीच में, इसमें 2 मिल रहे हैं, तो 2 ऐड कर देंगे, प्लस का 2 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18। इसमें 18 त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, कितने त्रिभुज हैं इसमें, 18। इसे भी देखिए सॉल्व कीजिए, 1, 2, 3, 4 कितना हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 इसे भी काउंट करेंगे, ये 4 × 2 कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये भी कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 हो गया। अब देखिए 8, 8 × 16, 8 × 3 = 24, तीनों को हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया, 24 हो गया, लेकिन 24 आपका आंसर नहीं है। मैंने बताया बीच में जितने पॉइंट मिलेंगे उसे भी ऐड करेंगे, तो 2 ये पॉइंट हो गए और 2 ये वाले पॉइंट हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 4। टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 इसमें प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, 28 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप उसे सॉल्व कर देंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, इसमें कितने त्रिभुज हैं बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों यदि आपकी समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है, उसके अंदर कई सारे स्क्वायर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी काउंट करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4, ये 1, 2, 3 and 4। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपका 4 × 4 का बॉक्स हो तो इसे करने का तरीका अलग रहेगा, जब आपका सेम बॉक्स ना हो, 4 × 4 का बॉक्स है तो करने का तरीका अलग रहेगा। जैसे यहाँ पर आप चेक करेंगे, मैं यहाँ पर काउंट कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। अब देखिए आप इसे चेक करेंगे, ये 4 × 4 का बॉक्स है, ये 5 × 4 का बॉक्स है, तो दोनों में डिफरेंस है। जब 4 × 4 का रहेगा या फिर 5 × 5 हो, 6 × 6 हो, मतलब सेम रहेगा, तो उसे करने का तरीका अलग रहेगा। जब आपका इस तरह का बॉक्स दिया जाएगा, 5 × 4, 4 × 3 इस तरह का बॉक्स रहेगा, तो इसे करने का तरीका आपका अलग रहेगा। तो मैं आपको पहले ये वाला तरीका बता देता हूँ, 4 × 4 का जब सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस
तीन का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इन सबको कर देंगे आप ऐड और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, ये हो जाएगा दोस्तों 30। तो इसमें कितने बॉक्स हैं, तो इसमें दोस्तों 30, यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। जब आपसे 4x4 का पूछा जाए या 5x5 का पूछा जाए तो स्क्वायर वाले ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। जितने भी दिए गए हैं उनका कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद आप उन्हें प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे करने का क्या तरीका है। देखिए आपको इसमें 4, 5 दिया गया है, इधर 4, तो इसमें मल्टीप्लाई ट्रिक से सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा 5x4 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 5x4 का प्लस, फिर 4x3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4x3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर 3x2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x2 प्लस, फिर 2 और 1 बचा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 चौके कितना होता है 20, प्लस 4 तीया 12, प्लस 3 दूना 6, प्लस 2 एकम 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। जब आपको इस तरह का बॉक्स दे दिया जाए तो लास्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से, इसका इससे, और फिर ये दो बचेंगे तो इनका इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 20 और 12 32, 32 और 6 38 और 2 40, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 40। तो इसमें कितने बॉक्स हैं, इसमें टोटल 40 हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व कर देंगे। जब आपका 4x4 पूछा जाए, मतलब सेम पूछा जाए, 4x4 हो या 3x3 हो या 5x5 हो या फिर इस टाइप का हो, तो आप दोनों ही को ही बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे, दोनों आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब आपको इस टाइप का त्रिभुज दे दिया जाए, काफ़ी सारे एग्जाम में इस टाइप का त्रिभुज आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो देखिए हमने यहाँ पर काउंट कर रखा 1, 2, 3, 4, कितने बॉक्स हैं 4। जब इसमें 4 बॉक्स होंगे इस टाइप के त्रिभुज में तो उसका आंसर आएगा दोस्तों 27। ठीक है दोस्तों, यदि 3 का होगा बॉक्स तो उसमें आंसर आएगा 13, यदि 5 का होगा बॉक्स तो आपका आंसर आएगा 48। एग्जाम में अभी तक 5 से ज़्यादा नहीं पूछा गया है, या तो 3 का पूछा जाएगा या 4 का या फिर 5 का। दोस्तों आपको चारों तरफ से काउंट करके देख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो 1, 2, 3, 4 हो गया, इधर से काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, चार ही बैठेगा, इधर से काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4। तो ठीक है आपकी समझ में आ गया होगा, आप चारों तरफ से काउंट करके देख सकते हैं, चार ही बैठेगा। जब आपका 4 है इस टाइप के त्रिभुज में, इस टाइप का आपको देख रखा है फिगर, उसमें 4 दिया गया है तो उसका आंसर 27 आएगा। यदि 3 तक दिया जाता, सिर्फ यहाँ तक दिया जाता, यहाँ तक 3 तक दिया जाता, उसका आंसर कितना आता 13। यदि एक और बढ़ा दिया जाता 5 तक तो उसका आंसर आएगा दोस्तों 48। तो आपको इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे माइंड में याद रखिए। जब 4 का पूछा जाएगा तो 27 आंसर आएगा, 3 का पूछा जाएगा तो 13, 5 का पूछा जाएगा तो 48 आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसे सॉल्व कर देंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।